बहुत सारी मौज मस्ती चालू हो चुकी है घर पर। अपना छोड़ पाओगे तब बताओ, मेरे लिए नहीं आता। मेरा ले ले, मैं चलाने लग जाएगा। अजीब ही मौसम है। नहीं यार, समझ नहीं रही है ना। ये तो मैं आगे फेमस टिक्की भाई, सबसे बेस्ट आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोग पीछा कर रहे हैं मेरा, क्या बात है भाई। किचन में भी ना भाई, जब ठेके बंद हुए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है कि यार वही बिजी स्केड्यूल के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिन निकल रहा है मेरा। फिलहाल ये बात मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूँ। कई लोग के मेरे पास मैसेज आ गए पर्सनली, क्या हो गया भाई, छोड़ो उड़ रहे हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आपको मैं बता दूँ, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था कि मैं छोड़ ही दूंगा, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। तो पैनिक मत हो यार। कुछ लोग जो स्पेशली मतलब ऐसे मैसेज कर रहे हो, थैंक यू सो मच, मतलब पता करने के लिए। फिलहाल बाहर इतना मौसम तगड़ा हो रखा है ना, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है यार, अजीब ही मौसम है। इस समय गर्मी भी हो रही है भयानक, और गर्मी से हटके अगर देखा जाए तो शाम को हवा भी चल रही है भाई। तो मेरी समझ से तो परे है इस समय। फिलहाल चलते बालकनी में, देखते थोड़ा बहुत मौसम कैसा हो रखा है, लोग बात क्या कर रहे हैं। आएंगे वापस, कुछ खा लेंगे, तो मिलवा भी देते हैं आपको सबसे घर पर। ये देखो हवा चल रही है ना, इसका साक्षात इस पर दिख रहा है। वैसे थोड़ी और तेज चल रही थी तो अभी ऐसे हिल भी रहा था। फिलहाल चलते हुए घर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखो छोटी बच्ची जा रही है अपनी मम्मी के साथ, दो बच्चे हैं। छोटे बच्चे बहुत रहते हैं यार इस गली में, देखो एक वो आ रहे हैं, खेलते रहते, खिलखिल खिलखुल करने की आवाज़ें आती रहती है बच्चों की, खेल खिलाने की। यहाँ से नीचे से कुछ भी निकलता है ना पीछे, तो आवाज़ बहुत तेज आती है यहाँ पर रिकॉर्डिंग में। फिलहाल ये वाली टी शर्ट बहुत दिनों के बाद निकली हुई थी, तो देख गई तो पहन ली। काफ़ी आई सूदिंग कलर रहते हैं गर्मियों में, पर्सनली मुझे भी पसंद है ऐसे लाइट कलर पहनना। लेकिन मेरा स्टॉक जो भर चुका है ना, ऐसा तुम लोग के साथ भी होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जिनके साथ ऐसा होता है कि स्टॉक में भर चुका, पूरा डार्क कलर से हो रखा है। मैं तब तो टी शर्ट है डार्क, शर्ट है डार्क, अब तो टी शर्ट पहनना भी मैंने उतना छोड़ दिया। घर पर तो फिलहाल यही कम्फर्टेबल रहती है, बाहर तो आपको जैसे कि बताइए मेरा अटायर कैसा रहता है। अभी चलते हैं अंदर। फिलहाल ज्ञान सागर के देवी हमें कुछ बता रही हैं, बताइए बताइए जी, आप क्या बोल रही हैं? आज ही तो सोए, थकान भी तो हो जाती है दो तीन दिन की, बताइए। नहीं बिल्कुल, ट्रैवल इतना होता तो क्या किया जाए, बताइए बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। अरे वो समझते हैं तुम्हारी बात। नहीं यार, समझ नहीं रही है लग रहा हमारी बात। मिसेस कुसुम बडोला जी, आप हमारी बात नहीं समझ रही हैं ऐसा लग रहा है। छोटे छोटे बड़े काम कर जाते हैं लोग। अब देख तेरा आज रात मोबाइल ले लूंगा। अपना छोड़ पाओगे तब बताओ, मेरे लिए नहीं आता। मेरा ले ले, मैं तेरा मेरा चलाने लग जाएगा। मैं तो आज से 10 बजे बंद कर दूंगा। देखी जाएगी 10 बजे, ठीक, आपको रिमाइंडर दिया जाएगा। याद है आपने क्या कहा था? 10 बजे पापा को दे देना, मैं भी अपना पापा को दे दूंगा। नहीं भाई, हमें हमें कोई जरूरत नहीं है, काम रहता है तो काम तो करना ही पड़ता है भाई। ऐसा माना नहीं जा सकता यार, ये कह रही हैं ऐसे, लेकिन कैसे माना जा सकता है भाई, 10 बजे तो काम रहता है, 11 बजे भी, 12, 1, 2 भी बज जाता है। कुछ भी बना देना, खिचड़ी बना दो, सबसे बेस्ट, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम भाई मैं सही बता रहा हूँ, हमारे घर पे ना ये एकदम उल्टा हिसाब किताब है। लोगों को इतनी फरमाइशें रहती हैं, हम तो इनके वजह से हम कह देते हैं कि कुछ भी बना दो, आपको जो ईजी पड़े वो बना दो, खिचड़ी बना दो, तो मम्मी मना करती है, नहीं इनको खुद ही नहीं पसंद आती है। नहीं तो हम चटनी भी कब कहते हैं, हम तो कहते हैं सिर्फ वैसे ही बना दो। बताओ जिल्ले लाही बोल रही है कि चटनी बनाने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुम बनाओ आज, हमारे पास तो काम है आज बहुत सारे, फिर किस दिन बना लेंगे, फिर किस दिन बना लेंगे। नई चीज़ और भी हो रही है कि इंस्टाग्राम मैं थोड़ा अपडेट करने लग गया हूँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये था ना कि मैं इंस्टाग्राम से दूर हो गया था, लेकिन अब फिर एक्टिविटी चालू कर देनी पड़ेगी मुझे इंस्टाग्राम पे, तो उसी की वजह से पोस्ट मैं डाल रहा हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो कर लीजिए, क्या था मेरे इंस्टाग्राम, शुभम बडोला, और फिर वो नीचे से डैश जो लगता है। अब मैं नो हूँ यार इन सब चीज़ों में, बहुत चलाता नहीं होता इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है, लेकिन फिर मैं अपनी आईडी को करने वाला हूँ रीएक्टिवेट, एक तरीके से बोला जाए एक्टिवेटेड थी लेकिन फिर से क्या बोला जाता है, जो कुछ भी समझ लो यार।
बस अभी निकल रहे हैं यार कुछ यहाँ का लखीमपुर का जो फेमस स्पॉट होते हैं ना, जैसे तुम्हारे यहाँ क्या रहता है, दिल्ली के मोमोज रहते हैं, लखनऊ की चाप रहती है, बिरयानी रहती है, ये सब फेमस रहता है। लखीमपुर का जो रहता है वो है टिक्की पकौड़ी, यहाँ पे फेमसली मिलती है। बाकी तो मैं ऐसे फास्ट फूड खाता भी नहीं, बाकी सबको छोड़ भी दिया है। फिलहाल अभी जा रहे हैं टिक्की लेने के लिए। भाई एक बालाजी करके हमारे घर के पास इतनी सटल बनाता है ना, ऐसा फ्लेवर कहीं मिला ही नहीं है आज तक, ना ही मिलेगा हमें ऐसा लगता है। तो बस वही खाने के लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं कब यहाँ से फिर लखनऊ जाना पड़े, कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो आज चलते खा लेते हैं, फिर खाते हैं। देखो लोग पीछा कर रहे हैं मेरा, क्या बात है भाई। किचन में भी ना जहाँ जहाँ लोग दिखे नहीं। अभी पीछे जो ये देख रहा हूँ ना, अमर उजाला और दैनिक जागरण का यहाँ पर जिसको बोलते हैं अखबार का वो है ऑफिस, यहाँ पर इन लोगों से बात हुई थी कुछ समय पहले भी हमारी, जब प्रोसेस में कुछ और था यार, कुछ और प्लानिंग थी। अगर ये कोविड स्ट्राइक ना होता ना तो काफ़ी कुछ हम कर सकते थे, मतलब मीडिया में भी पता लग जाती वो सारी चीज़ें। फिलहाल मिला ऐसा नहीं है कि उस लेवल पे हमें नहीं रिकॉग्नाइज किया या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। फिलहाल तो बस देख गया था मैंने, याद आपको बता दिया। फिलहाल निकलते हैं बोलते हैं आपसे। अच्छा एक और चीज़ यार, कोविड में ना सारी चीज़ें बंद थी तो लोगों को कोई मतलब दिक्कत तो थी, हालांकि लेकिन ऐसी नहीं थी भाई। जब ठेके बंद हुए और मुझे याद है ठेके चालू हुए, क्या भयानक भीड़ लगी हुई थी भाई, एटीएम की लाइनों से लंबी भीड़ें थी। वही है सिचुएशन की बात है, कंजम्पशन बहुत है यार, लेकिन यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। कोशिश करो छोड़ सको तो छोड़ दो। मैं देखो कुछ ऐसा करके, और बालाजी की दुकान पड़ती है, पता नहीं यार इस जगह को नौरंगाबाद चौराहा कहते हैं शायद, इधर से आओ तो सामने ही पड़ जाती है यहाँ पे बालाजी समोसे वाले। भाई मस्त ट्राई वाली है इनके यहाँ की ये, और एक जो ये टिक्की लगी हुई है यहाँ पे, ये इन दोनों चीज़ों का अगर मिल जाए ना कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है यार। ये देखो यहाँ की फेमस टिक्की भाई, इसका स्वाद इतना तगड़ा है ना, फीलिंग सबसे बेहतरीन होती है इसकी, मेन बात ये है। बस खा लेते हैं और फिर निपटते हैं यहाँ से भी, बाकियों के लिए पैक करा दिए, बस निकल रहे हैं घर की तरफ। मालताल जरूरी है, खाना भी खाना है। कोई बात नहीं खा लो, मीठी चटनी है आपकी, आपको पसंद है, और मिर्ची पकौड़ी आलू की पकौड़ी है। तू खा ले। नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ, खोल दूँ इसे, इसे खोल दूँ, खोल लूँगी। खा लेना, ठंडी मत करना। आपको तो पसंद है मिर्च की पकौड़ी। वही बातचीत बस अब चालू हो चुकी है यहाँ पे, सब लोग बैठे हुए तो वही बातचीतें चल रही है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस ब्लॉग को थोड़ा बहुत एंडिंग की तरफ जा ही चुका है, कल से दिखाएंगे, कल से थोड़ा और कोशिश करूँगा मैं दिन में जल्दी चालू करने की, क्योंकि आप लोग को वैसा कुछ दिखा नहीं पाता। अगर आप लोग को लगेगा भाई ये खाना पूर्ति तो नहीं हो रही है कहीं, सिर्फ वैसा कुछ नहीं, बस खाने का इंतजाम करने जा रहे हैं। मम्मी के साथ जाएंगे, एक स्पेशल आज जीरा राइस वाली वो हो गई थी, क्योंकि आज की हमारी तुरई बन गई ना तुरई के साथ, क्योंकि मज़ा आएगा खाने में तुरई के साथ। कभी चावल खाए हैं, ट्राई किए हैं, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। अगर थोड़ी सी लागी लिपटी सब्जी बनेगी उसके लिए। फिलहाल चलते हैं किचन में, वहाँ पर दिखाते हैं आपको जैसा कुछ होता है। फिलहाल गैस तो ऑन हो रखी है, इसे खोल के नहीं देख सकते यार, क्योंकि मैं इसे खोलता हूँ ना तो ये पता नहीं किस तरीके से नीचे गिर जाता है, नूबनेस की वजह से मेरी। फिलहाल अभी इसके अंदर सब्जी बन रही है, जरा दिखा दो, दर्शन करा दो। हेलो, अरे ऐसे देख के सीखने लग गए होते, इतनी जल्दी से क्या ही होता। ऐसे यहाँ से देखो पीछे से वो लिक्विड आ गया, इसमें दिक्कत हो जाती है, इसे कैसे उठाओगे ऐसी। कोई बात नहीं भाई साहब, क्या खुशबू आ गई। तो रही तेरह मम्मी बहुत बेस्ट बनाती हैं, इसकी बात तो है ही। और मुझे मेरे बचपन का बहुत अच्छे से याद है कि क्या होता था बचपन में, ये वाली सब्जी तुरई हमारे खेतों में लगती थी ना, घर के पीछे बहुत छोटी सी जगह थी, मतलब ऐसी होगा जैसे कितने बाय कितने का हो, 10 फुट बाय ऐसी 12 फुट का कोई जगह थी खेत की, छोटी सी, मतलब सरकारी क्वार्टर्स में, क्योंकि हम थे पापा जी जैसे की सर्विस थी हमारी, और उस जगह पर हम तुरई वगैरह लगा देते थे, भुट्टा लगा देते थे। तुरई का जो टेस्ट और स्मेल आती थी ना भाई, क्या लाजवाब होते हैं। अब तो वो टेस्ट ही मिलता, चने में नहीं मिलता, और राजमा में वो टेस्ट नहीं है, दाल में वो टेस्ट नहीं है। पता नहीं आने वाली अगली जनरेशन, हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उसमें तो ये चीज़ होना ही पॉसिबल नहीं रहेगा, मुझे लगता है टेस्ट ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तब तक। फिलहाल अभी मदद करा देते हैं और फिर खाते हुए मिलेंगे, नहीं तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे। बस अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं यार, क्योंकि बहुत सारी मौज मस्ती चालू हो चुकी है घर पर, तो मैं जा रहा हूँ एंजॉय करने के लिए, आप भी जाइए अब अपने काम करने के लिए, क्योंकि दिन का समय हो चुका है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा आपसे आज की वीडियो में, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक लिए गुड नाइट। कल से थोड़ा और प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे चैनल के थ्रू भी, क्योंकि काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन चैनल को थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा, तो पुश देने के लिए एक्टिव भी रहना जरूरी है। मिलते हैं, प्रोडक्टिव रहिए, स्टे इन योर लाइफ, वेरी वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि वही जरूरी है।